आज हम बात करेंगे आपकी सपनों की दुनिया के बारे में। सपने क्या सच में सच होते हैं? क्या सपनों का हमारे फ्यूचर लाइफ से कोई कनेक्शन होता है? क्या सपने हमें हमारा फ्यूचर बताते हैं? आज इसी बात के ऊपर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल साइंस पॉडकास्ट में। उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा होगा। उसकी जो कंटेंट है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी की। और लोग जो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कहानियाँ सुनने के आए हैं, कृपया यहाँ से चले जाइए। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म की ज़िंदगी में, अध्यात्म के सफ़र में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे सपनों की। सपने एक्चुअली हैं क्या? सपने सारा दिन भर जो आप अपने लाइफ में करते हैं, सारा दिन सुबह उठने से लेके सोने तक, जो भी आप किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी के प्रति कुछ सोचते हैं, जो भी भाव आपके अंदर आते हैं, उन सभी का वो भाव धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारे अनकॉन्शियस में जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। कॉन्शियसली हम करते हैं, हमें लगता है कि हम उसे कॉन्शियसली कर रहे हैं, पर वो अनकॉन्शियसली यानी कि बेहोशी में कर रहे होते हैं। वो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में जा रहे होते हैं, और जैसे ही रात होती है तो वो अवचेतन मन से निकल कर वो कूड़ा कचरा जो भी है, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ है चाहे कोई बुरी चीज़ है, वो हमारे अवचेतन मन से निकल कर हमारे चेतन मन में आती है इन सपनों की शक्ल में। वो उसे एक अपनी तरफ से एक कहानी में गढ़ लेती है, और हम उस कहानी के मुख्य पात्र होते हैं, और हमारे इर्द गिर्द वो सभी बातें हो रही होती हैं। और आपने हमेशा देखा होगा, सपोज़ कीजिए आपको किसी चीज़ की डिज़ायर है, आपको भूख लगी है, आपको किसी स्वादिष्ट खाने की डिज़ायर है, आप सारा दिन उस खाने के बारे में सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, पर वो आपको नहीं मिला, तो आप रात को थक कर सो जाएंगे, तो परमात्मा उसे आपको सपने में देगा। यानी कि जो डिज़ायर आपकी अनफुलफिल्ड रह गई, जो आपकी इच्छाएं पूरे दिन में आप पूरी नहीं कर पाए, वो आपकी रात में पूरी होंगी। परमात्मा का ये बहुत अच्छा नियम है। अगर परमात्मा ये सपनों की दुनिया ना बनाता तो इंसान शायद कुछ समय बाद ही पागल हो जाता, टूट जाता और बिखर कर गिर जाता। इसलिए परमात्मा ने बड़े सोच समझ कर ये सपनों की दुनिया बनाई, ताकि जो आपके मन का गुबार है, जो आपके मन की इच्छाएं हैं, जो आप नहीं कर पाए, सपोज़ करो आप किसी के साथ सेक्स करना चाहते हैं, किसी लड़की आपको अच्छी लगती है, आप उसके साथ नहीं कुछ कर पा रहे, तो सपनों में आप उसके साथ वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे। आपको पैसा नहीं मिल रहा, आप राजा बनना चाहते हैं, नहीं बन पा रहे हैं, तो सपनों में अगर आप जाएंगे तो सपनों में वो आपको राजा बना देगा। कभी कभी हमने देखा ना कि कोई बड़ा आदमी होता है, वो बोलता है कि मुझे सपना आया कि मैं भिखारी हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपनी अमीरी से थक चुका होता है, अपनी अमीरी से वो उब चुका होता है, वो चाहता है कि मैं कोई सिंपल लाइफ जीऊँ, पर वो जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समाज की ऑब्लिगेशन ज़रूर उसके साथ होती है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो उसकी इच्छाएं वो रात को पूरी हो जाती हैं। तो सपनों की दुनिया बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कि क्या ये सपने सच होते हैं? जी नहीं, जो ये सपने, जो ये कूड़ा करकट हम सारा दिन करते हैं, वो इन दी फॉर्म ऑफ जो सपनों में आते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को वो पूरा करने के लिए वो सपने आते हैं। पर जो जब आप बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं, उस समय आपको कोई स्वप्न नहीं आता, जिसे हम सुषुप्ति कहते हैं। तब क्या होता है, जब आपके ये कूड़ा कचरा आपका सारा निकल चुका होता है, जब आपका गुबार निकल जाता होता है, यानी कि आपकी जब मन का जो पटल है या जो आपका मन का स्टेज है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, या ये होता है लगभग सुबह 4 से लेके 5 बजे के बीच में, जब आप बिल्कुल गहरी नींद के में सो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 10 से 11 के बीच में सो जाते हैं, और 5-6 बजे के करीब आप उठ जाते हैं। तब
चार से पाँच के बीच में जो समय होता है वो बहुत ही गहरी निद्रा का समय होता है। इसमें आपका कोई विचार नहीं चलता क्योंकि आपके सारे विचार जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। उस समय में परमात्मा आपके मनस पटल के ऊपर कुछ लिखता है और वो हमेशा सच होता है। हमारी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी ऐसी ज़रूर कोई ना कोई इंसिडेंट हुई होगी कि हमें लगता है कि जो हमने सपना देखा और वो दिन में देखा तो वो बिल्कुल सच हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए सच हो गया क्योंकि परमात्मा आपको कोई संदेश देना चाहता है। वो चाहता है कि आप जो अब आपके मनस पटल के ऊपर लिख दिया गया है कि जब आप बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं तब भगवान उसके ऊपर कुछ उकेरता है, कुछ ऐसी बातें लिखता है इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, जो आपको सुबह लगते हैं कि यार ये तो मैंने सपने में देखा था ये चीज़ें। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही कोई सपना ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे इसके साथ शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मुझे ये सपना आया और वो सच हो गया है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये रियल कहानी है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन को उनके मर्डर से पहले एक रात पहले उनको एक सपना आया कि वो एक फंक्शन चल रहा है और सामने एक ताबूत है और बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हैं। तो वो एक साथ वाले आदमी से पूछता है कि ये यहाँ पर क्यों इतने लोग खड़े हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, वो मर गए हैं। तो वो देखता है ताबूत में तो वो बिल्कुल उसके अंदर पड़ा हुआ होता है, तो अब उसकी नींद खुल जाती है। वो क्या करता है, अब उसे ये बात अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे करके सपना आया कि फलाना फलाना कमरे में मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है और सभी लोग उसके पास खड़े हुए हैं। तब वो अपने स्टाफ के साथ भी इसके बारे में बात करता है कि ऐसे ऐसे मुझे सपना आया। सभी लोग हंसते हैं कि सर आप प्रेसिडेंट हो अमेरिका के, आपको कौन मार सकता है। तो सभी ने मतलब कि ऐसे ही उस बात को इतना तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में लग गए। और उसी दिन शाम को जब वो थिएटर हॉल में बैठे हुए थे तो किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और सेम वही इंसिडेंट हुआ जो उन्होंने बयान किया। तो दोस्तों सपने सच होते हैं जब आप बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं, चार से पाँच के बीच में, उस समय जब वो आपको क्यों भी आपको ख्याल आता है वो ज़रूर सच होता है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी बात समझ आई होगी। आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और पॉडकास्ट के ऊपर भी हमें सुनिएगा। धन्यवाद।